जय माता रानी के सभी मित्रों को। दोस्तों, अब जो समय आने वाला है, जो जून का महीना, जुलाई का महीना बहुत उत्तम जाने वाला है साधना काल के लिए और बड़ी पूजा अनुष्ठानों के लिए जो इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तंत्र पूजा के, तंत्र और अनुष्ठान पूजा के क्षेत्र में, अध्यात्म में, उनके लिए तो अति उत्तम, बहुत उत्तम। तो आप इसका लाभ उठाएं। जो भी आपने अब तक नहीं किए पूजा पाठ या सिद्धि साधना है, अब कर सकते हैं आप। बाहर बहुत अच्छी हवा चल रही है, बरसात पड़ के चुकी है, शाम को हल्की सी ठंडा के। तो बड़ा बढ़िया, बड़े अच्छे संयोग बन रहा है। देखो बिजली कड़क रही है, वाह क्या बात है। और ऐसा मौका मित्रों 50 साल में एक ही बार आता है जो ये संयोग बन के आया। 50 से 55 साल के बीच में आते हैं ये संयोग। इसका लाभ उठाइए। और जो भी आपके अटके हुए साधना वगैरह हैं, जो सही सिद्ध नहीं कर पाए आप, जो जून का महीना आएगा उसमें दो मतलब ग्रहण पड़ेंगे। पहला 5 जून को पड़ेगा और दूसरा होगा 21 जून को सूर्य ग्रहण। पहला होगा चंद्र ग्रहण और दूसरा होगा सूर्य ग्रहण, ठीक है मित्रों। और जो भी अच्छी जानकारी है सबको मालूम कि ग्रहण बाकी कई चीज़ों के लिए अच्छे नहीं होते, लेकिन कुछ कार्यों के लिए ग्रहण अति उत्तम होते हैं। पूजा आराधना, पूजा पाठ, सिद्धि, बड़ी तंत्र साधना है, सावर सिद्धियों के लिए ग्रहण बहुत उत्तम होते हैं। सावर सिद्धियां समझ लीजिए सिद्ध हो गई, अगर ग्रहण आ गया तो सिद्ध हो गई मंत्र। तो कुछ लगातार मंत्र दूंगा मैं आपको, लगातार सावर मंत्र दूंगा कुछ करने के लिए, ग्रहण वगैरह के लिए। तो आप उसको करें, चमत्कार देखें। और हर कोई कर सकता है ऐसे। एक तो सर्व बाधा नाश का लगातार दूंगा मैं आपको, एक जो आपके घर में नेगेटिव एनर्जी है उसका दूंगा, एक दूंगा आपको जीवन में सफलता के लिए। तो ये 3-4 चीज़ें लगातार देता रहूँगा मैं, ठीक है ना। तो और वो ग्रहण में करने के ही होंगे, वो ग्रहण में करने के लिए होंगे। एक बात तो बताऊँ, ये जो ग्रहण पड़ने वाले हैं ये विश्व के लिए थोड़ा चिंताजनक बन रहे हैं। ज़्यादा चिंताजनक यूँ बन रहे हैं कि सही होती हुई स्थिति को दोबारा न बिगाड़ दें कहीं, क्योंकि जब किसी महीने में और 30 दिन के अंदर अंदर 2 से 3 ग्रहण पड़ते हैं तो वो देश के लिए और पूरे संसार के लिए बहुत भयानक आपदाकारी होते हैं, विध्वंसकारी होते हैं। अनावश्यक चीज़ें निकल के आती हैं और वो तो चल ही रहा है, आप सब जानते हैं। खैर कोरोना वगैरह तो चल ही रहा है इस समय, वो दिक्कत तो चल रही है, उसमें भी कोड़ में खाज नहीं हो जाए, कोई और चीज़ नहीं हो जाए, युद्ध की संभावनाएं बनती हैं, युद्ध ना हो जाए कहीं, तो ये सब चीज़ें देखनी पड़ेंगी। हो सकता है कोरोना का मामला दोबारा से बढ़ के आ जाए, क्योंकि प्राकृतिक महामारी और आपदाएं भी बताती हैं ये सब चीज़ें। जो 21 जून को जो ग्रहण लगेगा, जो सूर्य ग्रहण है, बहुत ताकतवर और संवेदनशील, क्योंकि मिथुन राशि में, क्योंकि ग्रहण का ये मामला बहुत गड़बड़ होगा। और जो राहु का हिसाब बन रहा है ग्रहण में, वो बहुत बड़े अशुभ का संकेत देता है। भगवान से प्रार्थना करूँगा कुछ ना हो, सब शांति रहे, इसके लिए मैं कुछ करूँगा भी, हवन वगैरह करवाऊँगा भी लोगों से। राहु केतु का जो हिसाब होता है आप सबको मालूम ही है, हमेशा उल्टी चलते हैं, उल्टी चाल होती है इनकी, हमेशा नुकसान वाली चाल चलती है। अलग अलग जगह पे, अलग अलग देशों में इनका प्रभाव कम या ज़्यादा होता रहता है, बढ़ता रहता है, घटता रहता है। 2 ग्रहण जब भी कभी कभी पड़ते हैं, जब भी कभी 2 ग्रहण पड़ते हैं, दुर्भिक्ष, अकाल, महामारी और देश में किसी बड़े व्यक्ति की हानि,
या जनता की हानि, ये बताते हैं। और सारी चीज़ें इस समय हो रही हैं तो ग्रहण इस स्थिति को और भयंकर कर सकते हैं, क्योंकि ये दैवीय संकेत होता है ये मनुष्यों के लिए कि हे मनुष्य, अभी संकट है, बचो। पाँच जून वाला ग्रहण है 11:15 से शुरू होगा, ठीक है ना। और जो 21 जून वाला है वो सुबह 9:15 से शुरू होगा, जो दोपहर 3 बजे तक रहेगा। तो मित्रों, इसमें आपको साधना वगैरह की जो विधान है वो डालूँगा, उसको आप कर सकते हैं। ग्रहण में मेरे कुछ खास मंत्र हैं जो हमेशा सिद्ध हुए हैं, हमेशा उन्होंने प्रभाव दिया है, ठीक है ना। जो ग्रहण में मेरे खास मंत्र हैं जो हमेशा सिद्ध हुए हैं, हमेशा उन्होंने अच्छा ही प्रभाव दिया है और चमत्कारी प्रभाव दिया है। देखो क्या बिजली चमक रही है, जैसे कि एक मंत्र तो वो है ओम नमो वज्र का कोटा जिसमें पिंड हमारा पैदा, ईश्वरी कुंजी ब्रह्म का ताला, मेरी आठों श्याम का यति हनुमंत रखवाला। एक तो ये है, एक वो है जो मैंने आपको सबको बता रखा है, ए हनुमान 12 बरस का जवान, हाथ में लड्डू मुख में पान, हाँक मारता बाबा हनुमान, मेरी भक्ति और गुरु की शक्ति स्वरो मंत्र ईश्वरों वाचा, ठीक है। दूसरा मंत्र वो है जो दो तरह से मैंने बताया है, एक तो शुरू होता है सीधा अजरी वजरी, क्योंकि वो किसी ने गुरु ने दिया था तो मैंने उसे उसी तरह से किया था। और एक है ओम नमो आदेश गुरु को ईश्वर वाचा, अजरी वजरी बाड़ा वजरी बजी पा तो दसो दबा छवा और के घर तो पलट हनुमंत भी उसी को मारे, पहली चौकी गणपति, दू चौकी हनुमंत, तीन चौकी बैर, चौथी चौकी देवी रक्षा करम को, आन श्री नरसिंह देवी सब स्थान पिंड खाचा फ्रो मंत्री ईश्वर वाचा। एक ये है शरीर रक्षा दिशा बंधन और मकान बंधन, और भी मैंने कई मंत्र बता रखे हैं आपको, ओम नमो आदि पुरुषाय, ये प्राचीन है मंत्र। इस तरह से आप कई मंत्र कर सकते हैं उस दिन, और इन मंत्रों का प्रभाव भी अचूक होगा उस दिन, अचूक जिसको कहते हैं। और मित्रों, अब की बार का जो आज का जो वीडियो का जो स्पेशल मंत्र है वो आपको मैं दे रहा हूँ, ठीक है। इस मंत्र को आप जैसा का तैसा जो बता रहा हूँ वैसे ही करना, इसको बिल्कुल भी सुधारने की कोशिश, सही करने की कोशिश बिल्कुल भी ना करना, ठीक है मित्रों। और इस मंत्र का जो विधान है, जो अभी मैंने बताया था सूर्य ग्रहण जो पड़ेगा, जो सूर्य ग्रहण पड़ेगा, ठीक है ना, 21 वाला, उसमें इस मंत्र को करना है आपको। और मंत्र को कम से कम कोशिश करना 3 माला हो जाएं ग्रहण में। एक बात और ध्यान रखिएगा, ग्रहण में मंत्र शुरू करने का ही महत्व होता है, ख़त्म करने का महत्व नहीं होता है। शुरुआत ग्रहण में होनी चाहिए, ख़त्म भले ग्रहण के 2 घंटे बाद हो, 4 घंटे बाद हो, यदि आप लगातार बैठे हुए हैं तो, समझ गए ना, यदि आप लगातार बैठे हुए हैं तो। बाकी ग्रहण के मतलब लास्ट मंत्र का ग्रहण में नहीं हो कोई टेंशन नहीं है। कहते हैं ना किसी भी काम को किसी शुभ मुहूर्त में शुरू करना चाहिए, उसका अंत की कोई चिंता नहीं करनी चाहिए, अंत कभी भी हो उसका, ठीक है ना। इस मंत्र की आपको जो करनी है 3 माला करनी है, ठीक है, ग्रहण में शुरू करना है, जो 21 तारीख से पड़ेगा, आई थिंक सूर्य ग्रहण की तारीख से है, तो उसमें शुरू करना है। सूर्य ग्रहण में इस मंत्र को लेके बैठना है आपको, पूजा कोई नहीं करनी है आपको, कोई माला नहीं चलानी, कोई फूल नहीं चलाना, केवल इतना करना है कि एक दीपक लेकर रख लेना बना करके पहले से, ठीक है, एक घी का तेल का जो भी दीपक है वो बना करके रख लेना आपको पहले से। और जो ये मंत्र बता रहा हूँ, जो ये समझ लीजिए सावर में मुकुट शिरोमणि मंत्र है, हनुमान जी का मुकुट शिरोमणि मंत्र है, इसका प्रभाव ये देखा गया है कि इसके जितने साधक होते हैं और जिसने भी इसको सही तरह से सिद्ध कर रखा है, उस साधक के पीछे स्वयं हनुमान जी आकर के उसकी रक्षा के लिए खड़े होते हैं, अगर वो मुसीबत में है तो विश्वास, यदि आपको हनुमान जी पर विश्वास है तो। राम जी की भी थोड़ी सी सेवा कर लेना मंत्र करने से पहले, ठीक है ना। और फिर इस मंत्र को करना आप 3 माला आपको इस मंत्र की करनी है।
आसन का कोई बंधन नहीं है, ग्रहण के जो मंत्र होते हैं उसमें आसन बंधन नहीं होता, उसमें प्रसाद का कोई बंधन नहीं होता, उसमें कोई फूल माला वगैरह का बंधन नहीं होता, क्योंकि ग्रहण के मंत्र अलग अलग ही होते हैं, वो केवल उस समय जाप किए जाएंगे। दीपक पहले बना कर रखने, माचिस अपने पास में रखें, दीपक को उठ करके भगवान के मंदिर वगैरह में नहीं जलाना है, बल्कि नीचे ही पास में रख के बैठना है, वहीं पर जलाना है जब आप बैठें तो, ठीक है। और उसको ग्रहण में जला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई प्रसाद नहीं लगेगा, ठीक है ना। बाकी नहा धो करके बैठेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, उत्तम रहेगा, शुद्ध वस्त्र धारण करें। और इस मंत्र को आप लाल माला से, मूंगे की माला से, लाल रक्त चंदन की माला से, ठीक है, तुलसी की माला से, इनसे आप जाप कर सकते हैं। बाकी माला इनमें से कोई नहीं है तो फिर माला ना लें, और उंगलियों पे ही जाप करना है आपको, ठीक है। मंत्र सिंपल है, मंत्र में पहले से अधिकतर वीडियो में मुझे ऐसा लगता है 1 साल पहले डाल चुका हूँ, लेकिन मैं फिर डाल देता हूँ, ठीक है ना। मंत्र को डिस्कशन में कोशिश करूँगा डालने की, क्योंकि मैं वॉइस रिकॉर्डिंग करता हूँ तो थोड़ी दिक्कत हो जाती है, कभी कभी गलत हो जाता है, उसको सही करके दोबारा करना पड़ता है, तो इतना टाइम नहीं रहता है। तो मंत्र है सिंपल, आप इसी नोट कर लीजिएगा। ओम गुरु जी को आदेश, गुरु जी को प्रणाम, धरती माता, धरती पिता, धरती धरे न धीर धीर बाजे, संगी बाजे तुरतरी, आया गोरखनाथ, मीन का पूत, मुंज का छड़ा, लोहे का कड़ा, हमारे पीछे यति हनुमंत खड़ा, सब शब्द का सांचा, पिंड कांचा, स्प्रो मंत्री स्प्रो वाचा। ओम गुरु जी को आदेश, मंत्र दोबारा सुन लें एक बार, ओम गुरु जी को आदेश, गुरु जी को प्रणाम, धरती माता, धरती पिता, धरती धरे न धीर बाजे, संगी बाजे तुरतुरी, आया गोरखनाथ, मीन का पूत, मुंज का छड़ा, लोहे का खड़ा, हमारे पीठ पीछे यदि हनुमंत खड़ा, ध्यान रखना यति हनुमंत है, यदि मत लगा देना, यति हनुमंत खड़ा, शब्द का सांचा, पिंड कांचा, स्प्रो मंत्र ईश्व आचा, और इसमें फ्रो नहीं है, ध्यान रखना, स्प्रो मंत्र ईश्वर आचा, और इसमें शब्द नहीं है, शब्द है, ध्यान रखना, मंत्रों में यही फिर आपको बिगाड़ देता है। मैंने किताबों में इस मंत्र को कई जगह देखा है, उसमें सब इस किसी में तो शब्द लिख दिया है, किसी में शब्द लिख दिया है, ऐसा नहीं है, शब्द है, ध्यान रखिएगा, शब्द, हाँ, शब्द नहीं है, शब्द, जो उस समय के सिद्ध लोग लिख गए हैं वही मंत्र करना है आपको, आपको उसमें ना तो हेर फेर करना है, ना उसको शुद्ध करने की कोशिश करनी है, सही करने की कोशिश करनी है, शब्द का सही करने की कोशिश करोगे तो दिक्कत हो जाएगी, मंत्र वो काम नहीं करेगा। यही एक ऐसी एक त्रुटि है, ऐसी एक गलती है, ऐसी एक बिग मिस्टेक है जो आदमी करते हैं, पहले मैंने भी की है शुरू में जब मैं, लेकिन जब मुझे मालूम पड़ा कि ये मंत्र इसी तरह है और इसको बिगाड़ना नहीं है, याद रखिए उस मंत्र को आप सही नहीं कर रहे हैं, उसको बिगाड़ रहे हैं। तो आप इस तरह करिए, 3 माला में आपको इसका चेटक दिख जाएगा, पक्की बात है ये, ठीक है ना। और ये समझ लीजिए रक्षा के मामले में, हनुमान जी का जैसे वो है ना, मेरा हनुमान 12 बरस का ज्वान हो, वैसा ही मंत्र है रक्षा के मामले में। इसका चेटक मैंने जितनों को कराया उनको अवश्य दिखा है, और आप भी देखें। चलिए ठीक है मित्रों, जय माँ भवानी, जय माता रानी, ये ग्रहण स्पेशल एक मंत्र डाल दिया, अब मैं कल से लगातार डालूंगा ग्रहण के लिए, देखते हैं आप कितनी चीज़ें करते हैं।